हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दादरबेद में। जो आपको बता रहा था एलजेब्रा के बारे में, ठीक है, उसमें आपको डे 15 तक बता चुके थे, आज आपका डे 16 है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, तो हम लोग जो डे 13 14 15 तक जो पढ़े हैं फॉर्मूला, उसको यहां पे लिख दिए हैं। क्या क्या लिखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सॉरी प्लस प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, वन बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फार्मूला क्या पढ़े थे, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्यूब रहा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसका दो को फार्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी और एक को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका इसी फॉर्म को हम लोग आगे बढ़ा के इस तरह भी बनाए थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो इधर क्या हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डे 15 तक। अब हम लोग आगे आज का देखते हैं। आगे आपका डे 16 में क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोलता है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इक्वल टू 50, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि बोलते यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 50 है, तब आपको वैल्यू निकालना है कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला में आता है, पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला में आता है, ठीक है, और उसका सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए एक्स वाई जेड एक ई फॉर्मूला में भी आता है, फिर इसमें ए माइनस बी तब दिया हुआ नहीं है तो ई फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, इसका ई फॉर्मूला में भी आता है, ई फॉर्मूला में भी आता है। देखिए इसका एक्स वाई जेड दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ए माइनस बी बी माइनस सी ई भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस पर क्यूब का फॉर्म तो नहीं ना दिया हुआ है तो फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला बचा, पहला नंबर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए, उबरा फॉर्मूला ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू, प्लस टू क्या होता है, टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही ना आपका फॉर्मूला होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 10, तो हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको इसी तरह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू के जगह टू, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो 50 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा। जब 100 में 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, चलिए ये वाला समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो पहले पढ़ लेना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, यहाँ पे चार को स्टेप लगा, ठीक है। इसमें आप ई वाला अगर फॉर्मूला याद रहेगा, मान लीजिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, क्या जो दिया है उसका स्क्वायर करो, एक्स वाई जेड का स्क्वायर करो माइनस टू एक्स वाई वाई जेड वाला फॉर्मूला लगा, तो हो जाएगा तुरंत एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप मन मन में ही कर सकते हैं, इसमें बहुत टाइम आपका बच जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करें यहाँ पे बेसिक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन साफ कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 50, ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू 3 बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में बताते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 50 दिया है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड बराबर 3/2 दिया है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का।
देखिए एक्स वाई जेड आपको कहाँ से मिलेगा पहले जो ध्यान में रखना है, एक्स वाई जेड कैसे मिलेगा अगर इस सबका हम लोग कॉमन लेंगे मतलब सॉरी एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड मिल सकता है, यही ना है। यहाँ से जैसे हम लोग कॉमन लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कर गया तो यहाँ पे क्या बचा वाई जेड प्लस वाई से कर गया तो जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यही ना बचा आपका बराबर थ्री वाई। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना होगा कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग पता कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एक्स है ना तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होता है प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही ना होता है आपका फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक तीनों का मान पिछाल दिया है प्लस टू गुना एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखेंगे वन। इन क्वेश्चन हम कल को भी बताए थे ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्ट बना दिया था, आपको रीजन भी बता दिए कि यहाँ पे हम लोग पहले क्यों इसको निकालते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स फिर ई बनाते हैं ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 50 को इधर लेंगे तो माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 2xy y z और zx, इसमें घटाएंगे तो 50 बराबर कितना होगा 2xy plus yz plus zx, इसलिए हम लोग अगर लिखेंगे xy xy plus yz plus zx बराबर कितना लिखेंगे 50 बट्टा 2 इसको काटेंगे तो कितना होगा 25, यहाँ पे एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 25। कैमरा में ले रहा है यहाँ तक एक बार देख लेते हैं, हाँ यहाँ तक तो 25 तक ले लिया। अब देखिए इसको जैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर का वैल्यू कितना पता चल गया 25, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना 25 हो, यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3xyz बराबर कितना हो जाएगा 50। अब xyz बराबर कितना हो जाएगा आपका 50/3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन का ठीक है। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जितना आपका फॉर्मूला याद होगा उतना आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिए, इसको एक बार साफ कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि इफ ए माइनस बी इक्वल टू 5 बी माइनस सी इक्वल टू 6 सी माइनस ए इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बाई ए बी सी ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं ना लिखे हैं हम, यहाँ पे ए बी सी नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए और नहीं यहाँ पर कटने वाला कुछ होगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और एक होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो हमको ना तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दिया है ना ही ए बी बी सी और सी इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सेकेंड फार्मूला तो लेंगे ए बी सी बाई टू और यहाँ पे क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी, वाला और ये वाला क्या होगा पूरा कट जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या करेंगे होल स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 50। अब इसको सबको जोड़ेंगे 25 36 और 49 को 2 और यहाँ पे रहा आपका 7 2 9 2 11
वन बाई टू बराबर कितना हो जाएगा 110, इसको काटेंगे तो 55, तो यहाँ पे 55 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तो कैमरा ले रहा है कि नहीं ले रहा है एक बार देख लेते हैं। चलिए ले रहा है, ऐसे भी बोल रहे हैं अगर मान लीजिए कहीं पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसको मैं देखो साफ कर देते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ x माइनस वाई स्क्वायर टू 3 y माइनस z स्क्वायर टू 3 z माइनस x स्क्वायर टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy प्लस yz प्लस zx। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, y माइनस z बराबर आपका 3 दिया है और z माइनस x बराबर 4 दिया है, तब आपका वैल्यू निकालना कितना है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का माइनस माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स माइनस वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 3, 3 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड ये भी 3 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स 4 का स्क्वायर करेंगे। 1/2 का 1/2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 18 और 16 में जोड़ेंगे तो 34 हो गया ना, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया आपका 17 आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया, जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हो सकता है मिले परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे टाइप में बढ़ते हैं आगे और एक दो को क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको एक बार ये कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है और ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलते हैं कि वैल्यू निकालना है ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी और सी माइनस ए बाई ए प्लस बी प्लस सी माइनस यहाँ पे ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए जैसे कि आपको हम एक डे 15 या 14 का वीडियो में बताए थे ना कि जो आपका एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन आया था प्री का उसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ये आपको हम बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह फॉर्मूला भी तो पूछ सकता है ना, तो ये तो क्या है एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसको थोड़ा अरेंज करना है और इसमें फॉर्मूला में इसको बिठाना है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको ए माइनस बी पहले नीचे वाला देखिए फॉर्मूला से मिलता जुलता है, किसका फॉर्मूला से मिलता जुलता है ई वाला फॉर्मूला से मिलता जुलता है, लेकिन क्या है यहाँ पर ये सब माइनस में होना चाहिए ये सब प्लस में होना चाहिए, तो ऊपर वाला में अभी हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। नहीं यहाँ पे इस तरह था क्वेश्चन, क्वेश्चन भी इस तरह होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जब ऊपर में फिर करना पड़ेगा ना। देखिए क्वेश्चन इस तरह था द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी और सी माइनस ए और यहाँ पे था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन था, ये हम अपने दिमाग से लगा दिए फॉर्मूला आगे स्टेप हम यहीं पर लिख दिए थे। ठीक है, चलिए देखते ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से कर लेंगे, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी ले लेंगे और नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी और बी सी और सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में सेटिंग करेंगे तो क्या करना होगा, देखिए
बोले नीचे वाला फॉर्मूला से मिलता है जुलता है, कौन तो फॉर्मूला से मिलता जुलता है नीचे वाला, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी सबको में हम लोग दो से डिवाइड दे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन दो से हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या करना होगा, दो से मल्टीप्लाई भी करना होगा, समझ में आया। दो से मल्टीप्लाई किया हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे है उसी तरह उसको हम लोग बनाते गए, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बाय। यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर का काम कर ले तो नीचे करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब पहले हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब पहले हो जाएगा तो ये सब में क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका फॉर्मूला ही होता है, इसका फॉर्मूला का नाम क्या होता है, ए क्यू बी क्यू बी वाला आपका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे टू, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे बाई, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे ए क्यूब, ई वाला नीचे वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमने नीचे वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे ऊपर में सेट कर लिया, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है हमने एक नंबर का फॉर्मूला तो नीचे वाला में सेट हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस कॉमन ले तो माइनस टू तो रहेगा ही, नीचे वाला ये ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ऊपर में दो नीचे में माइनस वन, मतलब कितना हो गया आपका माइनस दो, आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका है, ठीक है। ये आपका एक हो गया क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला तो ही हो सकता है पूछ ले, ठीक है। यहाँ तक ही क्वेश्चन था, वो तो हम आगे से बनाना था तो दिमाग में आए तो लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ तक एक इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का क्यूब बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब बाय ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए क्यूब बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि वैल्यू निकालना है ए माइनस बी का क्यूब बी माइनस सी और सी माइनस ए का क्यूब, बट्टा में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए किसके बराबर है या कितना वैल्यू होगा, ठीक है। जब भी क्यूब रहता है तो हम लोग क्या बोले थे, सबको जोड़ के देखना है, बी माइनस सी और सी माइनस ए को जोड़ के देखना है, ये बी से बी कट गया, सी से सी कटा, ए से ए कटा, सब कटा, मैंने जीरो हो गया, ठीक है। जब जीरो हो गया यहाँ पर तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोले थे, थ्री ए बी सी होता है, तो ए की जगह कितना है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी है, बी माइनस सी, और यहाँ पर सी माइनस ए है, और यहाँ पर ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, पूरा टर्म से क्या हो गया, कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, तीन हो गया, समझ में आया। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बोल बोल के इसीलिए हम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई ना दे और यहाँ से, तो इसीलिए क्वेश्चन तो हम यहाँ पे मुंह में भी बोल देते हैं बार बार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स y ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ वन बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन वन, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग एक एक स्टेप करके बनाते जाएंगे, अपने से बन जाएगा। x प्लस अगर y लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वन बाई एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि वन बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इसको एक्स वाई का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसमें माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम लोग वन बाई एक्स प्लस वाई की जगह हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की जगह एक्स प्लस वाई भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें अगर दिक्कत होता है तो सॉरी इसको इसी तरह लेते हैं, वन बाई एक्स वाई पूरा का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं,
क्योंकि वन से किसी भी चीज को गुना करेंगे वही तो रहेगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/x के जगह एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है ए क्यूब मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई, यही ना फॉर्मूला होता है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया कट गया, यहाँ पे कितना बचा थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, थ्री की जगह थ्री एक्स प्लस एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वन, तो थ्री इंटू वन मैंने थ्री क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है इस तरह आप बना सकते हैं, पूरा कैमरा में ले रहा है कि नहीं, हाँ पूरा ट्रॉली ले रहा है। ठीक इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था कि थोड़ा घुमा के पूछा था एक दो स्टेप वो पहले से पूछ जाता है, भी एक्स प्लस वाई क्या कि पहले से ही जानते होंगे। ठीक है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ से एक दो स्टेप क्या था थोड़ा घुमा दिया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ ए इक्वल टू एक्स माइनस वाई बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वुड बी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए का मान दिया है बी का मान दिया है और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे अभी ए और बी को जोड़ देंगे, एक्स माइनस वाई है और बी बराबर क्या है एक्स प्लस वाई, तो जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या पता चलेगा ए प्लस बी, अब एक्स और एक्स यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और y y कट जाएगा। फिर इसको बढ़िया से लिख लेते हैं x हो जाएगा, फिर अगर हम लोग इससे x निकालेंगे तो क्या हो गया a प्लस बी और बेटा में 2 हो जाएगा। ठीक है लेकिन आगे क्या दिया है देखिए b बराबर कितना दिया है x प्लस वाई, तो b की जगह हम लोग कितना a मैंने x b बराबर x प्लस वाई दिया है तो x की जगह हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2 प्लस वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस बी लिखेंगे और बी को इधर लाएंगे या फिर इसको उधर ले जाएंगे बात क्या होगा एक ही होगा। ठीक है यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कमरा। ठीक है बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस इसका और यहाँ पर हम लोग वन इसका एलसीएम ले लेते हैं हमें कितना हो गया 2y हो गया, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2b बराबर a प्लस बी प्लस 2y हो जाएगा। कैमरा में कहाँ तक आ गया टू बी अब b तो माइनस कर देंगे b बराबर a प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप तो इधर लिख लेते हैं 2b माइनस बी बराबर ए प्लस 2y, 2b में b गया तो एक b बचा। ठीक है यहाँ पे a माइनस ए प्लस 2y बचा, अब b अब माइनस a लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पे 2y तो b माइनस a बराबर क्या हो जाएगा b माइनस a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। निकालने क्या बोला है इसीलिए लिखेंगे एक्स वाई निकालने बोला है, एक्स की जगह x रखेंगे a प्लस बी बाई 2 और y की जगह कितना है b माइनस a बाई 2, यही ना आपका दिया हुआ है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको माइनस में करना है ना तो पहले बी स्क्वायर हो जाएगा फिर आपका यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, अगर ये आपको गुना करने नहीं आता है तो यहाँ पे एक दो स्टेप आप बना सकते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों को गुना करने पे फिर वही आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है तो
कोमल लेके भी बना सकते हैं। देखिए बना ही देते हैं थोड़ा इधर बेसिक बेसिक से होता है। देखें अगर ए प्लस बी, इसमें अगर इसी तरह लिखने के लिए अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग माइनस, बाहर में सबसे बाहर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे इसको गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर बी को हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है इसके बाद साफ कर लेते आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 30 एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोल रहे कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको दिया हुआ, ठीक है जेड क्यूब बराबर 13 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और एक्स वाई जेड बराबर भी 1 दिया है, तब आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी तुरंत। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है। इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे या फिर इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखते लिख के आगे बढ़ाते जाएंगे। 13 का स्क्वायर माइनस निकालना कितना है एक्स प्लस वाई वाई जेड और जेड एक्स माइनस 3x प्लस वाई और जेड का वैल्यू 1 दिया है, 1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका भी वैल्यू कितना दिया है 1। ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे आपको आगे बनने पे बनाना होगा। ठीक है ठीक है मैं यहाँ पे आपको क्या करना है आगे बनाना है। ठीक है क्वेश्चन हम लोग सब सही है लिखे हैं। ठीक है फिर जैसे हम इसको आगे बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या, इससे हम लोग निकाल सकते हैं एक्स जेड। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ दिया हुआ है इधर कैमरा में आ ही रहा है तो इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही ना आपका ये होता है। लेकिन इसमें निकालना कितना एक्स वाई जेड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होता है। यहाँ तक तो कैमरा में ले ही रहा है मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे ये जो आया इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके जगह में, इसके जगह में। ठीक है क्या लिखेंगे इटो पूरा टर्म टू इतना का स्क्वायर और माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक
ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 169 माइनस 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होगा माइनस माइनस दो और माइनस इधर एक है, उसमें हमने एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 169 से कर हो जाएगा तो 166 हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या वन का हम लोग स्क्वायर माइनस थ्री, इसको तो आपको निकालना ही एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स 166 है, इसमें पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, बराबर वन माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको ये करेंगे 165 हो जाएगा, 166 से अगर हम लोग कुछ 166 से थोड़ा इंक डाल लेते हैं, जैसे 166 है ना यहाँ पर 166 उससे 1 घटा लेंगे तो 165 हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 165 माइनस, अब माइनस हो जाएगा माइनस कितना हुआ लिखेंगे हम लोग थ्री बराबर क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 165 को इसको हम लोग भाग दे देंगे, तीन बजे पंद्रह माइनस 55 बराबर कितना आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू आ गया। यहाँ तक कैमरा ले रहा है, हम एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ तक ही आ रहा है कैमरा, ठीक है, इसको जैसे 165 को डिवाइड देंगे तो कितना हो गया माइनस 55 बराबर कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ये ज्यादा ऐसे सवाल ज़्यादातर मेंस में आता है, ठीक है, जो मेंस में आया था आता है कि तो आया भी था, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, थोड़ा लॉन्ग बनता है इसीलिए मेंस में देता है, उसमें टाइम भी बहुत बचाना आता है, तो ये सब फॉर्मूला याद करने से ही अच्छा होगा। बेसिक से हम बता दें क्योंकि बेसिक से नहीं बताता है वो सर सॉल्व करके बताता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि फॉर्मूला याद है ही होगा, इस स्टूडेंट को डायरेक्ट बना देते हैं, हम बेसिक से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, चलिए एक और क्वेश्चन दिया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए एक जो क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे उसी का उल्टा है, उसमें क्या था इधर दिया हुआ था, ठीक है, अब इसमें इधर क्या है निकालना है, ठीक, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया ए डब्ल्यू के तौर पे दे दी, अब इसको बना लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।